Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की पेशी पर एहतसाब, अदालत के अंदर और बाहर बदमस्ती, अदालत के अंदर वुकला की नारेबाजी, जज मोहम्मद बशीर उठकर चले गए बगैर कार्रवाई के, समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी, जुडिशियल अकादमी के गेट पर सिक्योरिटी एहलकार को थप्पड़ मार दिया गया, धक्के भी दिए गए शरीफ खानदान पर, आज भी फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हंगामा आराई की तहकीकात का हुक्म दे दिया, आईजी इस्लामाबाद को फौरी तहकीकात करने की हिदायत, हंगामा आराई की आड़ में नैब टीम पर हमले की कोशिश की गई, सरबरा प्रोसिक्यूशन टीम मुजफ्फर अब्बासी को धक्के दिए गए, नैब प्रोसिक्यूशन टीम की हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट। मेरे साथ मेरी स्टैंडिंग काउंसिल लेडीज लायर पिंडी से आई है, उनके कपड़े फाड़े गए और मेरे साथ वुकला को उनको भी डंडे मारे, उनको धक्के दिए, कपड़े फाड़े गए, नून लीग लायर विंग से तल्लक जरूर है, लेकिन हम अदालत में आलिया के अहकाम के तहत आए हैं। हम पर तशद्दुद किया गया, लाठियां मारी गई, धक्के दिए गए, नून लीग लॉयर्स विंग के वुकला की मीडिया से गुफ्तगू। वजारत दाखला आज के वाके की तहकीकात कराए, देखना होगा कि इस वाके के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। मरियम नवाज की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। वकला पे कोई उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है जिसका मुझे एग्जैक्टली तो इल्म नहीं है क्या हुआ, अगर उनके पास कोर्ट की तरफ से इजाजत थी और उनको अंदर नहीं आने दिया गया, मेरी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि इस मामले की तहकीकात कराएं। मरियम नवाज से नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात, नैब रेफरेंसेज और सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरा। तमाम इदारे और जिम्मेदारान ऐसा काम ना करें जिससे मुल्की इस्तेहकाम को खतरा हो, तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, ये भी कहा हम अदालतों में पेश होते हैं मगर इमरान खान और परवेज मुशर्रफ पेश नहीं होते, इमरान खान और परवेज मुशर्रफ छोटी सोच का नाम है, आबिद शेर अली कहते हैं आज के वाकये की तहकीकात होगी, वुकला को भी अदालत में दाखिले की इजाजत होनी चाहिए। हंगामा आराई के बायस शरीफ फैमिली पर फर्द जुर्म आयद ना हुई, हमने तो कभी अदालत में ऐसा नहीं किया, क्या हमारे लिए अलग और शरीफ फैमिली के लिए अलग कानून है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम का सवाल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए और ये यही करते रहेंगे और ये समझते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। गुलबर्ग स्ट्रीट कोयटा में पुलिस अहलकारों पर मुसल्ला अफराद का हमला, एक पुलिस अहलकार शहीद, दो जख्मी हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ अब्बासपुर सेक्टर पर भारतीय फौज की फिर आबादियों पर फायरिंग, लोग घरों में महसूस। पाक फौज की कुरम एजेंसी में कार्रवाई, गैर मुल्की जोड़ा और तीन बच्चे बाजियाब, 2012 में अफगानिस्तान में अगवा किया गया था। कैनेडियन जोड़े की बाजियाबी पर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन हुक्काम पाकिस्तान के शुक्रगुजार, ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है तआवुन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स कोऑपरेशन इज अ साइन दैट इट इज ऑनरिंग अमेरिकाज विश दैट इट डू मोर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द रीजन एंड आई वांट टू थैंक द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आई वांट टू थैंक पाकिस्तान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहती हैं चैलेंजेस के बावजूद पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत सिमत में जाएंगे, पाकिस्तानी फौज ने अमरीकी इतलात पर ऑपरेशन किया। बासियाब कनेडियन शहरी के वालदैन का पाक फौज का शुक्रिया, कहा उन्हें शानदार खबर मिली, 5 साल बाद बेटे जोशुआ की आवाज सुनी, पाकिस्तानी फौजियों ने जान पर खेल कर बेटे को बाहिफाजत बाजियाब कराया।
कोटरी में सुपर हाईवे लोनीकोट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, 5 मुसाफिर लुकमाए अजल बन गए, 10 जख्मी हैं। कराची में भी 2 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। करीमाबाद पुल पर ट्रैफिक हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने कंटेनर को आग लगा दी। पख्तूनख्वा में आज चौथे रोज भी कॉलेजेस में असातिज़ा का तलबा को पढ़ाने से इनकार, हुकूमत मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करे वरना 17 अक्टूबर को बनी गाड़ा का घिराव होगा, हड़ताली असातिज़ा की धमकी। पिशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के गायनी वार्ड से 9 मौलूद गायब, वालदैन का इंतजामिया पर बच्चा गायब करने का इल्जाम, कहा 3 बच्चों की विलादत हुई, 2 बच्चे हवाले किए गए, अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी।